प्रथम तहलका न्यूज। इस वक्त के लिए बड़ी खबर टोहाना से। आपको बता दें कि टोहाना में बिजली विभाग के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए गए हैं और गांव नगला में बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है। बता दें कि कर्मचारियों के गांव में घुसने पर बैन लगाया हुआ है और गांव वालों का कहना है कि बिजली कर्मचारी गांव में ना आए वरना अपने नुकसान के जिम्मेदार वे खुद ही होंगे। बता दें कि गांव वालों ने बिजली कर्मचारियों के गांव में घुसने पर बैन लगाया हुआ है। कृषि कानूनों के चलते प्रशासन के खिलाफ अविश्वास जता रहे हैं ये गांव वाले और इसके साथ ही इन सब ने बिजली विभाग पर बेवजह परेशान करने का आरोप लगाया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक बार फिर से आपको बता दें कि टोहाना में बिजली विभाग के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए गए हैं और गांव नगला में बिजली विभाग के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया है। बता दें कि ग्रामीणों ने विभाग को खुली चुनौती दे डाली है और उनका कहना है कि बिजली कर्मचारी यदि गांव में घुसे तो नुकसान के वे खुद ही जिम्मेदार होंगे। बता दें कि ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर बेवजह परेशान करने का आरोप लगाया हुआ है और कृषि कानूनों के चलते बिजली विभाग का पूरी तरह से बायकॉट किया हुआ है। बात ये है जी, कल प्रशासन आया था यहाँ पर और धक्के से लोगों को बिजली महकमा साथ था, उसे बिना बताए गांव में आ गए। किसी सरपंच को, चौकीदार को, किसी मेंबर को नहीं बताया तो लोग सारे इकट्ठे उन्होंने विरोध किया भी धक्के से तंग कर रहे हैं लोग, ये अपने प्रशासन वाले लोगों के ऊपर धक्के से 50-40 हजार रुपये जुर्माना लगा के उनके ऊपर FIR की है। हम इसका सख्त विरोध करते हैं। अगर आज के बाद चेतावनी देते हैं, अगर गांव में आज के बाद कोई बिजली अधिकारी जो कोई भी प्रशासन अधिकारी बिना बताए आएगा तो उस जो गांव वाले उसके साथ जो भी कार्रवाई करे खुद वो जिम्मेवार होंगे। और कल भी हमारे उनको समझाया भी आप गलती करिए, आपने आना नहीं था। कल हमारे किसी आदमी ने उनको प्यार से समझाया लेकिन अब की बार कोई प्यार से नहीं समझाएगा। अगर कोई उनको दिक्कत आती है प्रशासन और बिजली महकमा खुद जिम्मेवार हो। जो किसान संघर्ष 4 महीने से चल रहा है, सड़कों पर लोग बैठे हैं, भाईचार जितने बच्चे बैठे हैं, जनानियां बैठी हैं, जो आदमी बैठे सड़कों दिल्ली में कितना देखो बैठे हैं आप, तो जितनी देर वो चलेगा सरकार हमारी मांगे नहीं मैं 3 कालों को वापस नहीं लेते तब तक कोई भी सरकारी अधिकारी बिना मतलब से बिना कोई काम से गांव में ना घुसे। नहीं तो अगर गांव वाले कोई उनके साथ कार्रवाई करते हैं तो खुद जिम्मेवार होंगे। हाँ जी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसानों के विरोध में जो अध्यादेश लेके आए हैं, ग्राम पंचायत नांगला व मोजिसगण आदमीगण वो सभी का विरोध करते हैं। जो भी कर्मचारी और जो भी अधिकारीगण गांव नांगला में प्रवेश करेंगे उसके जिम्मेवार वो स्वयं खुद बनेंगे।